गाइस आज लक्ष्मी पूजा बंगाल की कोजागरी लक्ष्मी पूजा का दिन है आज। गाइस क्योंकि दोनों लक्ष्मियों की पूजा और होम होगी घर में, तो एक दिन पहले ही सुमन जी मुझे छोड़कर यहाँ पे आए हैं और हम लोग पहुँच गए हैं पापा के घर पे। ये मिस्टर पॉल मुझे पापा के घर पे छोड़ करके निकल रहे हैं तो अपने काम पर, तो कल ये आ जाएंगे, कल पूजा है घर पे। तो आज से ही सारी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी क्योंकि दोनों लक्ष्मियों की पूजा हमारे घर की और इनके घर की एक साथ में होती है और इस साल होम यज्ञ भी होने वाली है, तो इसलिए काफ़ी सारा अरेंजमेंट है। पहले से एक दिन पहले से आ गए हैं। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं, मम्मी है यहाँ पे और सारा कुछ मतलब पूजा का सामग्री वगैरह सब शॉपिंग हो गया है। अभी सुमन जी निकल गए हैं काम पर, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे उसकी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सब कुछ सजाना एंड ऑल ये सब कर लेंगे। हाँ पता फता सब नहीं चले एक बार तुलसी पता तुलसी मंजूरी है समस्त नहीं चले पता फता सब नहीं चले एक बार बेलपाता तुलसी पता तुलसी मंजूरी हो सब नहीं चले। गाइज अभी बज रहे हैं रात के 3 और दोनों भगवान जियों की जो मूर्तियां हैं जो विग्रह है इनको सजाते हुए श्रृंगार कराते हुए और सारे पूजन सामग्री को एकत्रित करते हुए देर रात हो चुकी है और अभी मेरा काम कंप्लीट हुआ है, अभी मैं जाऊंगी सोने। गाइज भोग यहां पे बनना शुरू हो गया है। गाइज अभी खिचड़ी बन रही है और इसके बाद वो बनेगी खीर और उसके बाद पूड़िया बनेगी, फिर हमारा भोग कंप्लीट होगा। गाइज यहाँ पे पूड़िया मेरी तली जा रही है। ओके और इस तरह से थोड़ा लाल लाल तलेंगे इस बार और इधर खीर बन चुकी है जिसको बंगाल में बोलते हैं पायस और इस खीर को मेरी मम्मी ने बनाया है और ये खीर मम्मी बना रही है यहाँ पर और इधर सुमन जी लगा रहे हैं सारे लाइट्स, तो ये भोग सुबह में बनाते हुए शाम हो जाती है क्योंकि काफ़ी सारा आइटम रहता है, तो इलेक्ट्रिक का जितना भी काम है ये सुमन जी ही संभाल रहे हैं। उसके बाद होम यज्ञ जो होगी तो होम यज्ञ के लिए ईटा वगैरह बालू उसके बाद लकड़ी का सामान सब कुछ चाहिए होता है, तो ये सब अरेंज करके सुमन जी ही लेकर के आए हैं। ओके तो इस तरह से लाइट्स लगाई जा रही है जो कि मिस्टर पॉल कर रहे हैं अभी, तो ये लाइट का काम जो है ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहता है और हम लोग पूरे घर से खिड़की से लेके पूरा एकदम लाइट से फेयरी लाइट से डेकोरेट करके उसके बाद पूजा करते हैं। शुरू से ही शादी से पहले से ही मैं जब करती हूँ ना ये करती रहती हूँ, तो जब मैं करती थी मैं ही, तब तो शादी नहीं हुई थी सुमन जी नहीं थे तो मैं ही सारा लाइट्स लगाया करती थी, तो अभी मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड ने ले ली है। खिड़की से बाहर हाथ निकाल ना पड़ रहा है और आपका इतना लंबा हाथ है फिर भी लंबाई में थोड़ा बहुत कमी हो रही है। ओके कोई बात नहीं लग जाएगी, वैसे तो सब कुछ भगवान के लिए किया जा रहा है तो माँ लक्ष्मी के लिए आप लाइट लगा रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा ऐसा काम आप पहले किए हैं कि अभी कर रहे हैं पहली बार? बहुत बार किए हैं। तो ससुराल में आके करते हुए कैसा फील हो रहा है? ससुराल में तो बहुत बार पहले ही किया है। पहले भी किए हैं तो कैसा लगता है हर साल? अच्छा ही लगता है। अच्छा लगता है, ठीक है कीजिए, कंप्लीट होने के बाद हम लोग फिर से देखेंगे कैसा बना है।
ये नाम तस्मय श्री गुरु ये नाम आवाहन न जानी नई जानी पूजन विसर्जन न जानी समस्त परमेश्वर सर्वदेवेश भक्ति सुलभे परिवार सौनिधि धावत्तम कृष्णं वसुदेव नारायण भो नम ओ नमो विष्णुवे नारायण भूरूपाय परमात्मनि स्वाहा यशदे परिधार वस्त्रं गुत्यदेवतारायणि भो नम ॐ नमो गुरु महाविष्णुमश्राय नम ओं सर्वाभूदेवे भो नम सर्वाभूदेवे भुवनशब्दी देवी भो नम तं देवी चामुण्डी जयभूतपहारिणी जयसर्वगते देवी कालरात्रि नमस्ते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गस्य वासमाधत्ति सा सदा नमस्ते संप्रदान ओं नमो नारायण विद्महे धीमहि तन्न विष्णु प्रचोदयात् ओम घुस्साह ओम शस्साह भूर्भुस्साह ओम श्री विष्णु ओम दशरथ ओम उद्धव ओम मह ओम रंग अग्ने नम ओम गणेशाय नम ओम सूर्याय नम ओम शिवाय नम ओम अंजने विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात् स्वाहा ओम अंजने विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो ओम खमाय स्वाहा ओम खमाय स्वाहा ভালো সোজা হচ্ছে ঠিক আছে তো আলুটা এই দিকে ঐশ্বাহ गाइज बहुत अच्छे से होम यज्ञ कंप्लीट होने के बाद मैं निकल रही हूँ अभी भोग लेकर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपार्टमेंट में भक्तिजुक्त मुने प्रणाम करो एवे जे थाको जेखने प्रणमामी लक्ष्मी देवी विष्णु घरणी हिरोद सम्भुदा देवी जगत मोहिनी और ये आफ्टर पूजा और आफ्टर भोग वितरण और वो कहानी जो लक्खीर पाचाली बोलते हैं बंगाल में ये सबको कंप्लीट करने के बाद हम लोग फैमिली में थोड़ा फोटो सेशन कर रहे थे मैं और मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड सब लोग मिलके थोड़ा फोटो सेशन कर रहे थे तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से हमारे इस साल की लक्ष्मी पूजा प्लस होम यज्ञ बहुत अच्छे से सुसंपन्न हो चुकी है ये हम लोग अभी प्रसादी लेंगे टिल देन के लिए बाय बाय हैव अ ग्रेट टाइम अहेड बी पॉजिटिव कीप स्माइलिंग